all about happiness. And happiness starts with us. So अपनी कहानी शुरू होती है 1991 से. Like एक अच्छे family में पला बड़ा. As every kid I went to a school. During पढ़ाई में कभी मेरा interest नहीं था. I used to bunk my school. जैसे जैसे दिन बढ़ते गए स्कूल में नाम खराब होते गया और थिंग्स वॉज गुड फॉर मी बट जो अपना हैप्पी स्पेस था वो काफ़ी अलग था काफ़ी बाकी बंदों से. स्कूल बंक करते करते लाइक आई वॉज स्कूल से मेरे को निकाला गया और जैसे मैं बोला आई वॉज नॉट गुड इन माई स्टडीज़ तो जो अलजेरा जोमेट्री जो सब्जेक्ट था दैट वॉज नॉट सो कूल फॉर मी. टेंथ प्राइवेट दिया आई स्विच्ड ऑन टू अ यूनिवर्सिटी फॉर माई जर्मन लैंग्वेज स्टडीज़. उसी दौरान लाइक आई मेट सम सीनियर फ्रेंड्स ऑफ माइन और एजुकेशन को लेकर तो कभी इंटरेस्ट तो था नहीं बट जो लाइफ का जो क्यूरियोसिटी था वो काफ़ी बड़ा था लाइक काफ़ी जो सोचने का जो ढंग था वो काफ़ी इट वाज ह्यूज. सो आई स्टार्टेड स्मोकिंग सिगरेट्स विद माय फ्रेंड इन माय कॉलेज डेज और आई एंडेड अप रोलिंग अ जॉइंट इन माय हैंड एंड आई वाज लाइक मेरे को पब्लिक एज अ चर्सी बुलाते थे जस्ट टू कॉल मी अ ड्रग एडिक्ट एंड आई वॉज कूल विद इट क्योंकि वो लाइफ मैंने खुद अडाप्ट कर लिया था और जो अपना हैप्पी स्पेस था वो काफ़ी डिफरेंट था बाकी बंदों से. कॉलेज में आई वॉज कॉट बंकिंग अगेन ड्रॉप आउट भी था एज अ कॉलेज में कॉलेज से भी निकाला गया आई वॉज कॉट डोपिंग देयर. सो जो अपना हैप्पी स्पेस था डेट वॉज धीरे धीरे वो कम होते जा रहा था. जो लोगों का अप्रोच था कि ये बंदा गलत है आई वॉज रॉन्ग क्योंकि जो अपना अप्रोच था जो अपना स्टाइल ऑफ लिविंग था लाइक अ जंकी हिपस्टर दैट वॉज कूल फॉर मी बट जो बाकी लोग थे दे वर लाइक नो इज अ शेड गाय ये अच्छा बंदा नहीं है एंड दैट वॉज ओके फॉर मी. लाइक इट वॉज लाइक टीचर माई पेरेंट्स देर एन आर्टिस्ट और काफ़ी अच्छा नाम है उनका बॉम्बे में गुडविल भी काफ़ी अच्छा था तो दे वर लाइक कि टीचर का बेटा ऐसा क्यों कर रहा है एंड अपने को तो सही लग रहा था जो अपन कर रहे हैं लेकिन घर वाले का नाम काफ़ी ख़राब होते जा रहा था. माई मॉम माई डैड दे यूज़ टू क्राई बट दे यूज़ टू फील समथिंग कि एक बार एक दिन मेरा बेटा सुधर जाएगा. सो एक बार ही अपने को जॉब लग जाती इंटर्नशिप की मिड डे में तो वो जॉब के लिए आई वॉज लाइक आई गो टू शिरडी आई प्ले टू साई बाबा एंड आई स्टॉप एवरीथिंग. तो ऑन माई वे टू शिरडी आई मेट एन एक्सीडेंट और एक्सीडेंट इतना इंटेंस था कि आई हैड टू बी फॉर 3 months ऑन बेड. सो जो अपना पॉजिटिव स्पेस था जो हैप्पी स्पेस था वो पूरा ख़त्म हो गया था. लाइक मैं काफ़ी डीमोटिवेटेड था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया लाओ पीपल व्हाट विल थिंक फॉर मी मैं क्या करूँगा मेरे लाइफ को लेके बट इट वॉज स्कूल मतलब जो इच्छा होती है इंसान के अंदर डैट वॉज लाइक ऑलमोस्ट ओवर. अकेला था और लाइक दिस वॉज मी एंड दिस वॉज द कम्युनिटीज लाइक ये कम्युनिटी थी मेरे टाइम पे वो टाइम पे तो ठीक ठाक था और ऐसा भी नहीं कि मैं सिर्फ ड्रग्स लेता था मैं पेंट भी करता था. आई यूज टू गो फॉर कम्युनिटी पेंटिंग इवेंट्स इन माई कॉलेज टाइम तो सिर्फ लाइक पेंट वेंट तो ठीक ठाक कर लेता था कभी कभी अपने को अप्रिसिएशन मिल जाती थी गलती से किसी से तो काफ़ी ठीक ठाक था अपने लोग को. एक बार ही अपने को वैंस का इवेंट मिलता है जो शूज़ ब्रांड और वो इवेंट काफ़ी बूम था अपने लोग के लिए लाइक एडिक्शन में था मैं अपने बट जो स्पेस था मेरा वो काफ़ी हैप्पी होते जा रहा था क्योंकि लाइफ में पहली बार ही अपने किसी ने अप्रिशिएट कर दिया था एंड आई वॉज लाइक चल ठीक है अपन कर लेंगे लाइफ में कुछ ना कुछ. फिर लाइक नाम खराब होते गया मतलब इट वॉज लो मैं काफ़ी लो था बट इट वॉज ठीक क्योंकि मैं जो अपना वाइब था अपन ने खुद के लिए जो क्रिएट किया था डैट वॉज प्रीटी मच कूल फॉर मी. मतलब डैड मॉम ने काफ़ी ट्राई करा कि सुधारने के लिए लाइक पब्लिक डैड मॉम को जब मिलते थी जब मॉम डैड के जो कॉलिग्स थे तो वो लाइक टीचर आपका बेटा ऐसा क्यों कर रहा है और डैड को सर आपका बेटा ऐसा क्यों कर रहा है एंड मॉम डैड वो लाइक सुधर जाएगा थोड़ा बहुत एज है एंड ऑल बट मैं नहीं सुधर रहा था क्योंकि वो लाइफ मैंने ही अप्रोच कर लिया था एंड आई यूज टू ब्लेम पीपल फॉर इट. ड्रग्स करते पकड़ा गया तो आई यूज टू कॉल माई फ्रेंड्स यार अपन साथ में ड्रग्स कर रहे थे अपने को पकड़ा गया इट इज़ बिकॉज ऑफ यू आई वॉज ब्लेम्ड एंड ऑल. तो जो नेगेटिविटी थी वो काफ़ी ही ज़्यादा थी और एक बार ही लाइक वो जो ड्रग एडिक्शन का मेरा फेज था वो धीरे धीरे काफ़ी बढ़ते गया. लाइक आई हैड अ 6 लॉन्ग ईयर्स का रिलेशनशिप विद माई गर्लफ्रेंड
बट दैट वॉज नॉट सो कूल विथ मी क्योंकि उसके रिलेशनशिप में भी था मैं और मैं ड्रग्स भी ले रहा था. सपोर्टिव थी वो बट इट वॉज समथिंग डिफरेंट फॉर मी. एक बार ही मेरे घर पर झगड़ा हुआ था और इसके लिए मैंने अपना हाथ काट दिया था. एंड आई टुक 6 टाके मैंने अपने हाथ पे ले लिए थे. शाम को क्या दोस्तों के साथ चिल कर रहा था एंड माई फ्रेंड्स वर लाइक डूर तू इनसेन है. और जब से अपने को ये नाम मिला इनसेन और ये नाम भी लाइक आई वॉज लाइक प्रीटी हैप्पी अपने कुछ अच्छा नाम मिला है. तो मतलब थिंग्स वर गुड. तो दिस इज माई फोटो लाइक जब मैं ड्रग्स लेता था 6 लॉन्ग ईयर्स का. तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मेरे को जब भी. लेकिन अभी इट इज़ लाइक समथिंग डिफरेंट फॉर मी. फिर इसी टाइम पे आई मेट अ फ़कीर लाइक एक बिल्डिंग के अंकल है मेरे. उन्होंने मेरे को एक जगह पे लेके गए थे दरगाह पे. तो ही वॉज लाइक आई मेट विद दैट बाबा. हम लोग दोनों डोप कर रहे थे लाइक हम लोग चिल कर रहे थे दोनों. और उन्होंने मेरे पास देखा एंड ही वॉज लाइक ही स्माइल्ड एंड ही वॉज लाइक यार तू तो अफसर बंदा है तू क्यों ये सब कर रहा है फ़कीरों का नशा तू क्यों कर रहा है एंड इज दैट बाबा. तो मैंने बोला अच्छा लगता है बोले मेरे को. तो आई वॉज लाइक ठीक है हो जाएगा कुछ ना कुछ अच्छा. और मैंने अपना एक माइंड मेकअप कर लिया था. उनके फेस पे एक चार्म था वो काफ़ी अलग था. मतलब जो 6 साल का मेरा स्पैन था जो लोग जो नरसा मेरे को देखते थे जो व्यू फॉर पीपल वो डिफरेंट था अपने लोग के लिए. और इन्होंने जो आंखों से देखा था मेरे को डैट वॉज वेरी डिफरेंट. एक स्पार्क था. तो मैं सोचा यार अभी बनवर कर लेंगे. और मतलब एक बार ही सोचा भी कि अपने पेरेंट्स काफ़ी अच्छे हैं मतलब वेरी गुड पेरेंट्स लाइक एजुकेटेड है और अपन क्या कर रहे हैं. तो मैंने फिर उसको बंद कर डाला. और लाइक 6 ईयर्स का ड्रग एडिक्शन अपन ने 2 दिन में सिर्फ बंद कर डाला लाइक विदाउट एनी मेडिकेशन एंड ऑल. एंड इट वॉज लाइक अ स्पार्क था. बहुत ड्रीम करता था मैं. आई यूज टू ड्रीम अ लॉट. तो धीरे 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 ये नाम था इंसेन का. आई वॉज लाइक अपन इसके नाम से कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे. तो एक सिर्फ एक सोच थी. बट आफ्टर लाइक योर डिटॉक्सेशन का एक स्टेज होता है आफ्टर एडिक्शन दैट इज़ वेरी क्रूशियल. तो अपने को ना एक वो होता है कि अपने कोई सपोर्ट करे. तो आई हैड माई फ्रेंड जेनिसा माई पेरेंट्स माई गर्लफ्रेंड रुगया और इनका जो एक वो था वाइब था अपने लोग के लिए. और मैंने खुद के लिए एक वाइब क्रिएट कर लिया था कि नहीं अभी तो सुधरूंगा मैं खुद के लिए और मेरे मॉम डैड के लिए. और धीरे धीरे अपन सुधरते गए. और लाइक नाम मतलब हाँ अभी बेटा लाइन पे आ रहा है लाइन पे आ रहा है मतलब ठीक ठाक है. शी इज जेनिसा एंड शी इज मृगया. तो मतलब थिंग्स वर गुड. धीरे 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 आई वॉज लाइक अपन अभी इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे. तो बाकी आर्टिस्ट के माफक अपने पास कुछ कैनवस नहीं था पेंट वेंट करने के लिए. तो अभी क्या करना है क्या नहीं करना है. तो आई लुक अराउंड अ सिटी एंड आई फाउंड माई सिटी एज माई कैनवस. तो मैं सिटी को पेंट करना स्टार्ट करा. आई यूश टू गो आई यूश टू पेंट. थोड़ा बहुत मुद्दा पैसा आ जाते थे बट ठीक था. फिर ट्रैवल करना स्टार्ट करा एंड आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग अ लॉट. अभी अपने पास बॉम्बे इंडिया के 7 आर्टिस्ट है लाइक वन इज फ्रॉम हैदराबाद कोई गोवा से है. और वी रन अ इंस्टीट्यूट नेम इंसेन स्ट्रोक्स नाम से अपन काम करते हैं. फिलहाल तो वी वर्क फॉर NGOs. वी हैव अवर क्लाइंट्स फॉर कैफेज एंड ऑल. दिस इज ऑल माई स्ट्रीट आर्ट. आई वर्क फॉर NGOs अ लॉट. अपन डिलक्स के लिए भी आर्टिस्ट है डिलक्स पेंट्स के लिए. तो सीन इज गुड नाउ. तो लाइक या दिस इज़ माई हिमाचल का काम. अभी हिमाचल हमने काफ़ी ट्रैवल करे हिमाचल बैंगलोर हैदराबाद कोलकाता दिल्ली. तो सीन इज़ गुड. मतलब थिंग्स आर गुड नाउ. एंड एज अ स्ट्रीट आर्टिस्ट आई फील कि एक जो आर्ट है डैट हैज़ जो अपना जो आर्ट फॉर्म है डैट हैज़ नॉट टू बी इन अ कैनवस पे बाउंड नहीं होना चाहिए. डैट हैज़ टू बी एक्सप्लोर्ड बाई एवरी वन. सो दिस इज़ हाउ माई विजन चेंज्ड.
I'll say it is all about vision, like what do you think you become? जो आपने सोचे कि आपने कुछ अच्छा करना है and once you make up your mind कि हाँ आपने को सुधरना है मैं कैसे मैं सुधरा like I had my own happy space like जो मेरा detoxing stage था it was very different for me like कोई नहीं था मेरे साथ में like I had some people around me और अपने आप मैंने एक vibe create कर लिया था खुद के लिए कि I'll stop everything I'll like learn a very good life now I'll live a very good life probably things are good for me now And as a street artist, I feel like अपन जो काम करेंगे वो सिर्फ एक कैनवस पे नहीं बट एक बड़े स्केल पे करेंगे और एक रिक्शा वाले भी अपना काम देख सकते हैं और एक मिलियनर भी अपना काम देख सकते हैं जो बंदा मर्सिडीज में बैठ रहा है एक और सीन है लाइक अभी काफ़ी एनजीओज है इंडिया में जो काफ़ी स्ट्रीट आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं देयर आर सम एनजीओज फ्रॉम दिल्ली फ्रॉम कोलकाता फ्रॉम हैदराबाद जो जो अपन स्ट्रीट आर्ट आर्टिस्ट को काफ़ी बूम कर रहे हैं मतलब दे आर हेल्पिंग अस टू प्रमोट और TEDxVIT प्लेटफॉर्म वी गॉट टू प्रमोट आवर सेल्फ सो लाइक अभी अपना विजन काफी चेंज हो गया है इट इज लाइक ब्लूमिंग लाइक अ फ्लावर नाउ सो या दिस इज द फ्लावर व्हाट आई मेक देर वॉज वन टाइम जब लोग मेरे को मेरे हरकत की वजह से देश टू कॉल मी इनसेन बिकॉज आई वॉज अ ड्रग एडिक्ट एंड अपन ने अभी वो स्ट्रीट टाइम एक्वायर कर लिया है एंड दे कॉल मी इनसेन फॉर माई आर्ट वर्क थैंक यू सो मच